नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 1 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 मई के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, इसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और ये MCQ फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। अगर आप जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की PDF परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उनकी कॉस्ट दोस्तों मात्र 20 रुपीज़ पर मंथ है। देखिए दोस्तों, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर्स डे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी माना जाता है और यह हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है। कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश होता है। 1 मई 1886 को 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के समर्थन में शिकागो और कुछ अन्य शहर एक प्रमुख संघ प्रदर्शन के स्थल थे। 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि हेमार्केट संबंध यानी हेमार्केट अफेयर्स के स्मरण में 1 मई को श्रम बल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इंटरनेशनल लेबर डे 2021 की थीम क्या थी? तो ये थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। दोस्तों इस वर्ष अभी इसकी थीम डिसाइड नहीं की गई है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? गाय राइडर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य के टेंडर्स पोर्टल को वर्ष 2021 के लिए परियोजना श्रेणी में CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? दोस्तों तो ये हमारे मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल। दोस्तों हमारा हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग में से एक भीमबेटिका रॉक पेंटिंग और आश्रय पर वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों भीमबेटिका कहां पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और भीमबेटिका को दोस्तों, जो भीमबेटिका की गुफाएं हैं इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही दोस्तों सांची स्तूप भी है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है उनको कब किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल? तो ये 86 में किया गया था। तो दोस्तों प्रोफेसर वाकनकर जी के द्वारा 1958 में, याद रखिएगा कब, 1958 में भीमबेटिका शैलाश्रयों एवं गुफाओं की खोज की गई थी। दोस्तों यहाँ पर लगभग 500 गुफाएं हैं। और आपने सुना होगा दोस्तों, एक साल पहले की बात है, 2021 फरवरी 2021 की बात है दोस्तों, एक डिकनसोनिया नाम का जंतु है, तो भीमबेटिका के शैलाश्रयों में दोस्तों 550 मिलियन वर्ष पुराने डिकनसोनिया जंतु के अवशेष मिले थे। कब मिले थे? फरवरी 2021 में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटिका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ये 1958 में हुई थी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर वाकनकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है, यह किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? तो यह योजना खेल विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खेल विभाग। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग किसके पास है? तो यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास है। और इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? इंदर सिंह परमार है, ठीक है। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मोहन यादव है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह श्री विश्वास कैलाश सारंग जी है। कृषि मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? तो यह है कमल पटेल, ठीक है। और ऊर्जा विभाग किसके पास है? यानी हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा के मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह डंग, ठीक है। और हरदीप सिंह डंग के बाद दोस्तों पर्यावरण विभाग भी है। इसको सुन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश रत्न अलंकर समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
और देखिए दोस्तों, जो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इसका पहले नाम मिंटो हॉल था, अभी हाल ही में इसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीति आयोग के द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश से वर्चुअली शामिल कौन हुए दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान जी हुए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री है, गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष है दोस्तों, और सचिन चतुर्वेदी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। और मुख्य सचिव कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? इकबाल सिंह बैस है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों 33वें मुख्य सचिव है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री HS कामत जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी दोस्तों? ये निर्मला बूच थी। हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी है, और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दोस्तों नरोत्तम मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कब से कब तक चलेगा दोस्तों? 28 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा, ठीक है। चल दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्रांस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दोस्तों, इसकी मंत्री कौन है? तो ये है सुश्री उषा ठाकुर। उषा ठाकुर के बाद दोस्तों पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग एवं अध्यात्म विभाग तीनों हैं। और खेल एवं युवा कल्याण विभाग किसके पास है दोस्तों? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया के पास है, और उनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। किसके पास? यशोधरा राजे सिंधिया के पास। उच्च शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मोहन यादव के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग इंद्र सिंह परमार के पास है। चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है? तो ये श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के पास है। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस में हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल जनरल ऑफ फ्रांस श्री जीन मार्क चरलेट की उपस्थिति में मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्रांस के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया है। और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री S विष्णुनाथ, भारत में फ्रांस दूतावास, भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के निदेशक श्री Emmanuel लेब्रन डेमियंस, और अलायंस फ्रांस से भोपाल के प्रेसिडेंट डॉक्टर बर्था रथिनन ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा किया जाएगा, साथ ही फ्रांस के पर्यटकों को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों और आयोजन के संबंध में जानकारी देकर आमंत्रित किया जाएगा। और MOU में शामिल गतिविधियों में सांस्कृतिक और कलात्मक आदान प्रदान, संगोष्ठियों सम्मेलनों का आयोजन, त्योहारों कार्यक्रमों, वाद विवाद प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, त्योहारों का विकास और संयुक्त कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम और फिल्मों की स्क्रीनिंग आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर गोविंद सिंह। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो ये थे श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर जी। और यहाँ सत्यदेव कटारे की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र विपक्ष नेता थे दोस्तों, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो बात करें हम यहाँ पर जमुना देवी की, तो दोस्तों जमुना देवी हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला विपक्ष नेता रही है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे जो मुख्यमंत्री भी बने? तो वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, ठीक है, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता थे जो हमारे
मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्षी नेता कौन थे, तो ये थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बने हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। सिंह हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के कौन से विपक्षी नेता है, तो सुलवे है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो यह है श्री गिरीश गौतम। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मंगूभाई पटेल। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, तो श्री इकबाल सिंह बैस है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमत जी है। ये दोस्तों पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लहार, लहार किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, भिंड डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो लहार विधायक 71 साल के डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। और दोस्तों गोविंद सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र ऐसे विधायक है जो लगातार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। पहला चुनाव उन्होंने 1990 में जनता दल से लड़ा था, तब वे 14,000 वोटों से जीते थे। 1993 में कांग्रेस से अब तक लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। और दोस्तों गोविंद सिंह जी 2018 में कमलनाथ के कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 के प्रारूप को मंजूरी कब दी गई, तो ये 26 अप्रैल 2022 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 26 अप्रैल 2022। 26 अप्रैल 2022 को कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के तहत मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति से ₹1,000 जुर्माना वसूला जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रस्तावित जुर्माना राशि ₹5,000 थी, किंतु मंत्रियों के सुझाव पर इसे ₹1,000 कर दिया गया। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को खुला छोड़ने की बढ़ती समस्या को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के संबंध में नियमित कार्रवाई तथा जुर्माने की राशि निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग ने KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किया है दोस्तों, तो ये ऊर्जा विभाग ने। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऊर्जा विभाग। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है, तो यह श्री हरदीप सिंह डंग, और इनके पास पर्यावरण विभाग भी है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का कृषि विभाग किसके पास है, कमल पटेल के पास है। गृह विभाग नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। तो देखिए दोस्तों 29 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। और हमारे मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां कौन कौन सी दोस्तों, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका मुख्यालय भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो ये इंदौर में है। तो इन तीनों विद्युत वितरण कंपनी में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1400 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लिए पृथक ऋण अनुबंध, पृथक अनुदान अनुबंध एवं प्रोजेक्ट अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि इस वृहद योजना में 1120 करोड़ रुपए का ऋण KfW डेवलपमेंट बैंक देगा तथा शासन से 280 करोड़ रुपए की राशि ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2021 को KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण अनुबंध एवं अनुदान अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। और मध्य प्रदेश शासन इसी अनुबंध के आधार पर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये 131वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 131। और ये कब मनाई गई दोस्तों, 14 अप्रैल 2022 को। तो दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका निधन जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये भारत के पहले विधि मंत्री, न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो कि कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और उनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय है दोस्तों जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है।
भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी किसे जाता है? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में लगभग 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। और दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर और साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व के पहले और एकमात्र पुरुष हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है और दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहेब के ही है और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कौन से व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिया था और गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो आपको बताना है कि यह हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी या रायसेन डिस्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन MPGK से रहते हैं और कुछ क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। कल जो क्विज हुआ था हमारा 161वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो मानसी की आई है, सेकंड रैंक विक्रांत की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।